अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और ये है अलविदा जुम्मा का व्लॉग, और इसमें ये ड्रेस मैंने वेयर की थी, और ये ब्राउन कलर की और कॉटन की बहुत ही प्यारी फ्रॉक और शलवार की ड्रेस थी, और बहुत ही ज़्यादा लूज़ और कंफर्टेबल ये ड्रेस थी। और उसके बाद मैंने ये जोहर से शुरू किया है व्लॉग, जुमे की नमाज़ पढ़ के, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी डेली मैं व्लॉग डाल पाऊँ। उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने सूट की कटिंग करने के लिए। जो मुझे घर से ये सूट आया था उसको मैंने कटिंग कर लिया है। कटिंग की मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए मैंने कटिंग की वीडियो नहीं बनाई है। और ये मैंने सूट को कटिंग करने के बाद में, ये इनर वाला सूट था तो इसको एक बार कच्ची सिलाई मैंने की है चारों तरफ से, और उसके बाद में शलवार मैंने कंप्लीट कर ली थी, और मैंने कट कर करके वीडियो बनाई है। और मैं बनाने लगी थी पाइची, यानी शलवार की मोहरी, और शलवार मैंने पूरी सील ली थी, और उसके बाद में मैं बनाने लगी थी शलवार की मोहरी पाइचे, और मैंने बीच में से वीडियो कट कर दी है काफ़ी सारी, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है सूट को सीने के लिए। और मैंने वैसे अपने घर के सारे काम, क्लीनिंग वगैरह और सारी सफाई वगैरह, कपड़े वगैरह जो मैंने धोने थे वो सब भी एक तरफ रख दिए हैं। कपड़े मैं अभी वॉश करूँगी, पहले मुझे ये सूट को सीना है। कम से कम एक सूट तो आज मुझे कंप्लीट करना ही है। और ये मैंने पाइचे पे कुछ मार्किंग करके मैं कर रही हूँ ताकि कुछ डिफरेंस ना हो दोनों पोंचों में। और रमज़ान जाने वाले हैं, और रमज़ान कंप्लीट हो चुके हैं पूरे, और क्लीनिंग वगैरह भी घर की हमने कर ली है, तो रमज़ान जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा रौनक होती है रमज़ानों में, इतना दिल लगता है, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है कि रमज़ान आए थे और इतनी जल्दी जा भी रहे हैं। और घर का सारा काम तो रहता ही है, बट थोड़े से रमज़ान के और भी एक्स्ट्रा काम रहते हैं रमज़ानों में, क्योंकि एक प्रॉपर टाइम पर सारे काम हमें करने होते हैं, और डेली में हमें इतना वो नहीं रहता है कि थोड़ा बहुत अगर लेट हो जाते हैं काम करने में या खाना बनाने में तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब हम रमज़ान से रहते हैं तो सारे काम हमें बिल्कुल टाइम से करने होते हैं, तो एक रूटीन सेट हो जाता है अच्छा सा। उसी रूटीन को जब वो रूटीन अच्छे से सेट हो जाता है तब रमज़ान हमारे जाने लगते हैं। वही हुआ है, अब रमज़ान जाने लगे हैं। और ये देखें पाइचे मैंने इतने प्यारे बनाए हैं, मुझे अच्छे लग रहे थे काफ़ी। मेरी एक शलवार पे पहले भी ये बने हुए थे, और उसी को देखकर मैंने दोबारा से ये बनाए हैं, मुझे वो वाले पाइचे का डिज़ाइन अच्छा लग रहा था। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मेरे ये किचन के पर्दे रह गए थे धोने के लिए, तो वो सभी उतार कर मैंने मशीन में डाल दिए हैं। और इधर मैं आ गई हूँ प्याज और लहसुन का पेस्ट बनाने के लिए, और रमज़ानों में ये चौथी बार मैं पेस्ट बना रही हूँ। ऐसा नहीं है कि एक बार मैंने आपके साथ शेयर किया है तो वो पूरे रमज़ानों मेरा फिनिश ही नहीं हुआ था, ये मेरा चौथी बार मैं पेस्ट बना रही हूँ, और मैंने ये डब्बों में भर लिया है। और ऊपर से थोड़ा सा मैं रिफाइंड ऑयल उसमें डाल देती हूँ, ताकि क्योंकि मुझे कुछ दिन फ्रिज में स्टोर करके रखना होता है तो उसमें स्मेल ना हो अजीब सी, और वो कुछ दिन अच्छे से चल जाए, फ्रेश रहे। और ये मैं आ गई थी कपड़े धोने के लिए, मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली थी, और क्योंकि कर्टन्स वगैरह धोने थे, और रमज़ानों में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि हाथ से बड़े बड़े कपड़े धोए जाएं, और भी थोड़े से कपड़े थे, यूनिफॉर्म वगैरह थी मेरे बेटे की, तो वो भी मैंने वॉश कर ली थी। सबसे पहले मैंने यूनिफॉर्म को डाल दिया था मशीन में, और
उसके बाद मैंने बेड शीट्स वगैरह डाली थी, दो बेड शीट्स थी और ये किचन के पर्दे थे जो कि नेट के हैं और बहुत ही ज़्यादा मुझे केयरफुल होकर धोने पड़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से धोने पड़ते हैं। तो उसके बाद मेरे बच्चे आ गए थे ट्यूशन के लिए और ट्यूशन उन्हें देने के बाद में उनकी कर दी थी मैंने छुट्टी और उसके बाद फिर मैं लगी थी सीने के लिए दूसरा वाला सूट। उनकी छुट्टी मैंने आज थोड़ी जल्दी कर दी थी 4 बजे और 1 घंटा मुझे मिल गया था, तो उस 1 घंटे में मैं लेकर बैठ गई थी अपना दूसरा वाला सूट क्योंकि एक सूट मेरा कंप्लीट हो चुका था और ये मैं दूसरा वाला सूट कॉटन का जो मस्टर्ड कलर का ये मेरा सूट था इसको स्टिच करने लगी थी। और मेरे बेटे का एक पजामा भी मुझे सीना था, उसे भी मैंने कट करके रखा है और इसका इस वाले सूट का ट्राउज़र भी अभी रह गया है सिलने के लिए जो कि अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, कटिंग भी नहीं किया है मैंने। तो पहले मैं ये सूट कंप्लीट कर लूँगी और मैं लगा रही हूँ इस पर फिटिंग के निशान और मार्क कर रही हूँ इसको अच्छे से और मैं मार्किंग ले रही हूँ सूट रख के ऊपर सूट के। और मैं इस तरह से भी कर लेती हूँ, इंच टेप से भी मैं मेजरमेंट ले लेती हूँ बट मुझे इस तरह से जल्दी लगा, मैंने अभी इसी तरह से मार्किंग कर ली है। और उसके बाद मैंने अब तैयारी बना ली थी और खाना भी बना लिया था और मैंने बनाई थी मसाले वाली छाछ, लस्सी और कचरी पकौड़ियाँ और थोड़े से फ्रूट्स कट किए थे और ये थी नींबू की शिकंजी। सूट को मैंने बीच में ही छोड़ दिया था, उसको मैं बाद में कंप्लीट करूँगी और ये मसाला छाछ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई थी। ये बिल्कुल सिंपल प्लेन छाछ थी और इसमें मैंने थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा भुना कुटा ज़ीरा और काला नमक और थोड़ा सा वाइट सॉल्ट मैंने इसमें डाला था और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और रोज़ा इफ्तार के बाद मैंने रोटी बनाई थी क्योंकि मैं सूट सी रही थी तो मैं खाना नहीं बना पाई थी और मैंने तैयारी बना ली थी, इफ्तार मैंने बना लिया था बट खाना मेरा रह गया था बनने के लिए तो मैंने रोटियां सबसे पहले बना ली हैं। उसके बाद मैं बना रही थी अंडे की भुर्जी और भूख भी लग रही थी काफ़ी बट नमाज़ पढ़ने के बाद मैं जल्दी से फिर मैंने ये बना ली थी अंडे की भुर्जी और फिर तब हमने इसी से खाना खाया था। और ये मैंने रमज़ानों में पहली बार बनाई है अंडे की भुर्जी, ना मैंने सहरी में बनाई है और ना मैंने इफ्तार में ही बनाई है भुर्जी। और ये हो गया है नेक्स्ट डे सहरी का टाइम और ये मैं बनाने लगी हूँ पराठे। और इस तरह से मुझे ट्रायंगल वाले पराठे पसंद हैं, सिंपल वाले पराठे हमें नहीं पसंद है, सिंपल वाले मैं बनाती ही नहीं हूँ पराठे और ये वाले अच्छे लगते हैं पराठे, ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अपने बेटे को भी मैं लंच बॉक्स में यही वाले पराठे देती हूँ और हमें भी यही वाले पराठे पसंद हैं। तो मैं बनाने लगी थी पराठे और अंडे की भुर्जी थोड़ी सी एक्स्ट्रा थी, रात बची थी तो मैंने वो ही गर्म की है। और थोड़ी सी मैंने दही रात में जमा के रखी थी, जमाने के लिए रखी थी और जैसे कि मैं घर में ही थोड़ी थोड़ी दही जमा देती हूँ और कभी कभी ऐसा होता है कि शहरी में भी मैं लस्सी बना लेती हूँ दही की। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है मॉर्निंग के टाइम अगर लस्सी आप पीते हैं दही की, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश सा फील होता है, ठंडी होती है दही, एक्चुअली में पीना चाहिए मॉर्निंग के टाइम दही की लस्सी। और एक ग्लास में मैंने बनाया है एनर्जेल गोला है
और अब मैं लेकर जा रही हूँ अंदर, खाना मैं रख के आ गई हूँ। और उसके बाद हो गया था फजर का टाइम, और किचन सारा साफ़ करने के बाद मैंने पढ़ ली थी नमाज, और उसके बाद ये सूट मेरा रह गया था और इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। और इसको इसके चाक वगैरह मुझे मोड़ने के बाद में, चाक वगैरह मैंने फोल्ड करने के बाद में इसकी मैं तुरपाई करने लगी हूँ, और जो कि तुरपाई में भी काफ़ी सारा टाइम लग गया था। उसके बाद मैंने सीधा ही आपके साथ इफ्तार का रूटीन शेयर किया है, और ये मैंने बनाया था शरबत, रूह अफ़ज़ा और फ्रूट्स कट किए थे, पकौड़ियाँ बनाई थी मैंने प्याज की और आलू की, और खाने में मैंने अरवी बनाई थी, और जिसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ। और ये ड्रेस मेरी स्टिच हो चुकी है, और ये इस तरह लग रही थी रेडी होके। और ये वाला जो बॉर्डर मैंने इसकी स्लीव्स पे लगाया है, ये वाला बॉर्डर ये इसके नीचे दामन पे था, और ये मैंने कट करके स्लीव्स में लगाया है। और ये मैंने लेस ली है, लेस इस पे चारों तरफ लगाई है दुपट्टे पे, और ये स्टोन्स भी चिपकाए हैं, ये स्टोन्स भी स्टिक किए हैं, और ये दुपट्टा भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, और ये सूट भी काफ़ी अच्छा लग रहा था सिल के। और ये मेरा दूसरा वाला सूट है, बट इसका ट्राउज़र अभी नहीं सिला है, खाली ये सूट ही अभी सिला है मैंने, और इसकी स्लीव्स मैंने वही बनाई है जैसे कि मैं पहन रही हूँ आजकल, मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही हैं ये वाली स्लीव्स। और ये मेरे हस्बैंड का कुर्ता है जो सिलकर आ गया है, और मेरे बेटे का कुर्ता अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। और अगर आज की वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।